जो बीच रास्ता तुम दोनों पकड़ा गए होगा, किसी को पता चल गया था। ठीक है बोलते नहीं, तुम दोनों का जिम्मा है, अच्छा बोल देते हैं। अच्छा बोल दे क्या? नहीं नहीं देखो जो अच्छा 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 नहीं Yeah.
माला लेते हां दीदी अब तो लेके भी है नहीं हम ये लिए मास्टर जी नहीं मारेंगे Oh.
मेरा मतलब वो नहीं था कि मुझे शादी करनी है। दादी 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 मेरी प्यारी प्यारी दादी, देखो ना मैं फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास कर गई हूँ। अब मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं शहर जाना चाहती हूँ। क्या दादी लेक्चर छाट गया थी और से छोड़ मैं पिताजी से बात करूँ, तुम तो मेरी बात सुनती ही नहीं। चला तो रहे हैं और जो करना होगा वो हम कर लेंगे। लो खाना लेकर जाओ।
बिट्टू भैया क्या हुआ? देख रहा है कि बहुत देर से यहाँ बैठा हो, थक गए हो? अरे बैठे नहीं हैं, एक उदार हिल गया है, इसी को ठीक कर रहे हैं। ओह, अरे हमको तो लगा तुम थक गए, इसलिए बैठ गए हो। अरे थके नहीं हैं, अरे जमीन इतना सूख गया है बिना बारिश का कि कुदाल के पेट को हिला दे रहा है। ये कुदाल भी हार मान रहा। अरे बारिश होता तब तो कुछ बात बनता। अरे बारिश के चक्कर में हमारी जान निकल जाएगी। चलो छोड़ो हमें, खाने आकर खिलाओ, आज हमारी खाने खत्म हो गई। दूर मत दे और आप बात भैया के लिए रख। अच्छा लाओ।
भैया ये गोपाल भैया हाय सुने है कि गांव में माहौल आने वाला है ये बात सच है का हमरा नहीं चला बात कि ये गांव में माहौल है ना मनावसा ही पूछ रहे हैं ये हाँ हाँ बिल्कुल ठीक सुने हो तुम लोग अपने गांव में लहर आने वाला ये तो बहुत खुशी का बात है भैया इस साला वर्षा के भरोसे था छह महीना सुखा ले जाता है थे। हे बिट्टू भैया हमें आप भाई तार कुदाल ला ही लेगा हो अरे हमरा नहीं तुम्हारा भी नहीं लेगा का समझे अच्छे गोपाल भैया हाँ नहर कब तक बनेगा तो नक्शा पास होते ही बन जाएगा लेकिन थोड़ी दिक्कत होगी क्या दिक्कत होगी भैया हाँ भैया क्या दिक्कत कहे चुप हो गया अरे दिक्कत ये है कि ये नक्शा जो पास होने वाला है ये अपने बिल्लन सिंह के खेत से होके जाएगा गांव के अधिकतर लोगों की उपजाऊ जमीन भी उसी रास्ते में और तुम लोगों का भी तो है हाँ भैया हमारा तो सारा जमीन वही लाइन में है ये सभे जमीन पे नहले आएगा तो क्या फायदा होगा गोपाल भैया अरे पूरे जमीन पे नहर नहीं बनेगी पर हाँ उसमें बहुत सारी उपजाऊ जमीन समा जाएगी इस बात पर हमें सोचना पड़ेगा गोपाल भैया हम कहते हैं कि प्रधान जी से कहते हैं वो बैठक रखवाते हैं गांव के दूसरे लोगों को बुलाएंगे और वैसे भी अपने प्रधान जी का सरकारी माफिया के लोगों के साथ उठना बैठना है वही तो रास्ता निकालेंगे हाँ भैया सही कहते हो हाँ ये ठीक है फिर कल शाम को बैठक रखा जाए हाँ भैया हाँ बिल्कुल हाँ अच्छा देखो मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ मुझे निकलना चाहिए ठीक ठीक जाते हैं, है ना?
जिससे तुम कैद करती हो ना वो हमारी शराबी की देखती जाती है। बस आजकल तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलने लगा। सलामती, हाँ सही कहती हो, लड़की को ये समझाना कि तुम कमजोर हो, कहीं अकेले मत जाना, घर के बाहर के किसी मर्द से बात मत करना। लड़कियों को ऐसी बातें समझा समझा कर उन्हें मानसिक रूप से कमजोर करना सलामती है। और अगर कोई लड़की ये बात नहीं मानती तो वो कुलता कुलक्षणी हो जाती। और लोग कुछ भी कहने से नहीं चुकते। रुकना भी कोशिश करो, वो फायदा नहीं हो, तुम कहीं जाने का सोचना भी मत। समस्या का समाधान हो जाए तो वो देखिए हम सब के लिए बेहतर।
बात सिर्फ मेरी नहीं है। अरे मैंने बोला ना, मैं कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि फेर बदल हो भी जाएगा। वैसे तो पाल बाबू, वीर जी बता रहा था कि आपकी बेटी पिंकी शहर जा रही है पढ़ने। यो बिरजू, सही बात है ना? जी सरकार, यही बात हम गोपाल जी को पहले ही बोलती है। आप वैसे भी इस बात का पूरे गांव में चर्चा है। क्या बताएं, ये बात का पूरे गांव में चर्चा है। हाँ। अरे बेटी जा घर से बाहर जाएगी तो गांव समाज का क्या होगा? हाँ, वैसे भी अपने गांव से आज तक कोई अपनी बेटी को शहर नहीं भेजा। गोपाल भैया पहले ही अपने बेटे को शहर भेज दिए हैं। हम अब बेटियों को भेजना चाहते हैं। हाँ। मेरा बेटा शहर में पढ़ रहा है, ये बात तो आप सबको पता है, पर मैं अपनी बेटी को शहर नहीं भेज रहा हूँ। गाँव से सभी लोग एक एक करके शहर चले जाएंगे तो चिंता नहीं मेरा है ना। और तू हो कौन? अरे सरकार, इस बोल्टन है एक हाँ, एकरा ऊपर ही शहर जाने का भूत सवार था और शहर गया भी। आप ही शहर इंतजारा कर रहे हैं। अरे बिजू, अरे तो इसका नाम झोलटन किसने रख दिया? अरे इसका नाम तो ज्ञानी होना चाहिए था। अरे सरकार, ये अभी में बहुत ही झोल है, रात भर जगते रहता है। हाँ। अभी में झूलते रहता है। लेकिन बात उसने एकदम सही कही है। सरकार, मैं तो यही कह रहा हूँ, शहर में रहने से शहरिया कहलाता, इसीलिए शहर हमारे लिए ठीक नहीं है। अच्छा गोपाल भैया, घर की घरनी खड़े रहे वही ठीक है ना? नहीं तो बाहर गई तो नाक कान कटवाएगी। बस बस बिजू बस, देख अब तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। इसमें बस वाली कौन सी बात है, जो बात है वही बोल रहा है ना? अरे क्या कर रहे हो? प्रधान जी मना कर दीजिए इसे। सही बोल रहा है, मना कर दीजिए इसे, बजा अलग हो जाएगा। क्या मना कर दीजिए? चुप। ये गोपाल बाबू शांत हो जाइए, बैठिए आराम से, बैठिए पहले बैठिए बैठिए। हाँ देखिए, ये सब गांव वाले आपके भले के लिए तो बोल रहे हैं ना। हाँ, आपकी बेटी पिंकी शहर जाएगी, शहर में पढ़ाई करने जाएगी, तो गांव में और भी तो सबकी बेटियां हैं। बिरजू की दो बेटियां हैं, अगर वो भी शहर जाने के लिए बोलेंगी तो फिर कहाँ बिरजू उसका भरपाई कर पाएगा? देखिए गोपाल, एक छोटी सी चिंगारी पूरी बस्ती को जलाकर राख कर देती है, इसीलिए उस चिंगारी को आग बनने से पहले, अरे पूरी बस्ती जलने से पहले बुझा दीजिए। अरे बुझा दीजिए गोपाल बाबू, अरे अब पिंकी बिटिया की शादी करा दीजिए, शादी। अरे इसी में सबकी भलाई है, क्या समझे? क्यों जी, सही बोले ना? हाँ एकदम सही, एकदम सही, यही होना चाहिए। मैं भी अब यही सोच रहा हूँ। सोचो नहीं, एक करा दो, इसी में गांव की भलाई है, और नहीं तो नहर बनने से भी बड़ा समस्या हो जाएगा। घर दुरुस्त तो सब दुरुस्त। मैं और मेरा गुल्लक, जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी वैसे वैसे इसमें पैसे भी बढ़ते गए। वो इसलिए क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है। जैसे गुल्लक फूट कर किसी के सपनों को पूरा करता है, वैसे ही मैं भी बहुत मेहनत कर कुछ बनकर अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ। मैं बहुत शरारती और नटखट हूँ, पर क्या अभी हूँ? मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरे घर वाले इस बात को समझ ही नहीं रहे। गांव और समाज की इज्जत उनके लिए बहुत प्यारी है और मैं नहीं। समाज में हो रहे महिलाओं और बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार और
भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगी। मैं पढ़ूंगी पढ़ूंगी और कुछ करके दिखाऊंगी। खुद और सारा का सारा सामान बिखरा पड़ा। Yeah.
बेइज्जती हो पिंकी की भूमिका में यूरेका, दादी अलका सिंह, बिरजू दीपक कुमार, प्रधान पवन दिग्विजय तिवारी, बिरजू की पत्नी हेमा राज, गोपाल भीमगिरी, अमर विवेक मिश्रा, मोहन अंशु कुमार, रोहित झोल्टन, प्रदुमन कुमार, विक्की कमल विजय, निषाद कुमार, ग्रामीण अभिषेक कुमार अंशु। मंच पर जो हमारे साथी मदद कर रहे थे, उन साथियों से आग्रह है कि जिनका भी मैं नाम लेता जा रहा हूँ, आप लोग भी मंच पे आ जाएं। इस नाटक के निर्माता हैं मिथिलेश प्रसाद, प्रकाश परिकल्पना रोशन कुमार जी का है, संगीत वैभव, मीडिया प्रभारी दिग्विजय तिवारी, वस्त्र विन्यास दीपक कुमार, वीडियो और फोटो स्वस्तिक सौम्य यशवंत मिश्रा, मेकअप जितेंद्र कुमार, मंच निर्माण संतोष राजपूत, नृत्य संरचना रिबेका। आभार तमाम रंग संस्था, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रंगकर्मी एवं दर्शकगण, कलाकार साझा संघ पटना। अब हम फिर से कुछ साथी रह गए हैं, उनसे आग्रह है कि कृपया कर मंच पे आ जाएं। इस नाटक के लेखक सुभाष कुमार कहाँ हैं, और इस नाटक की निर्देशिका जो केंद्र की भूमिका निभा रही थी, पिंकी का जो कैरेक्टर कर रही थी, वही यूरेका कुमारी, सॉरी यूरेका जी ही इसकी निर्देशिका है, उनके लिए जोरदार ताली। सुभाष कुमार कहाँ है, ये है इस नाटक के लेखक, और ये थी हमारी प्रस्तुति। मैं चाहूंगा कि निर्देशिका दो शब्द कहें नाटक के बारे में, कैसे क्या लगा करते हुए। कोशिश ये थी कि हम लोग कुछ अलग करके दिखाएं, मैसेज देना चाहते थे, बहुत कुछ गलत हो रहा है हमारे भारत में, ये बहुत कम था, इससे ज़्यादा चाहिए क्योंकि बहुत गलत हो रहा है। तो मेरा जो ध्यान था वो उसी टॉपिक पे था जिसने भारत को खोखला करके रख दिया, तो मैंने वही मैसेज देने की कोशिश की है, प्लस ये बताने की कोशिश की है कि अगर माँ बाप एक अच्छे दोस्त हो जाए और अपने घर के जितने भी पुरुष हैं उन्हें अच्छे से समझाएं, बच्चियों को दबाए नहीं समझे, तो शायद कभी भी कोई भी पिंकी घर से नहीं भागेगी। तो इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि ये मैसेज प्लीज आप लोग समझें और इसे घर में अपने अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप गार्जियन हैं, आप माँ बाप हैं, अगर आप नहीं समझेंगे तो और भी गलत बच्चे कर सकते हैं, उसके बाद आप सिर्फ रोते रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले ही समझ जाएं और प्लीज़ अच्छे दोस्त बने, ना कि उनके दुश्मन बने। आप माँ बाप हैं, आप ज़्यादा समझदार हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारा नाटक, परिकल्पना मंच की प्रस्तुति थी नाटक पिंकी का गुल्लक। आप दर्शक जो आए, आपका हमेशा हमें सहयोग मिलता रहता है हर रूप में, और हम चाहेंगे कि आगे भी आप तमाम सुर दर्शकों का हमें इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहे, ताकि हम आपके सामने और अच्छा से अच्छा और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन लेकर आ सके, हम आपका मनोरंजन कर सके, संदेश दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि।